दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस की तरह से आपको मेरी यह वीडियो भी पसंद आएगी। मैं आपके उज्जवल, खुशहाल, समृद्ध भविष्य की शुभकामना करता हूं। आज की जो यह हमारी वीडियो है, यह वीडियो है पॉलिसी बॉन्ड के संदर्भ में और LIC की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने का मैं प्रयास इसमें कर रहा हूँ। यदि आपने पॉलिसी कराई हुई है या कराने की सोच रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो इस वीडियो को देखिए और यह जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। जो सबसे पहली बात आती है वो आती है कि पॉलिसी बॉन्ड होता क्या है। जब हम बीमा कराते हैं या कोई पॉलिसी लेते हैं तो LIC से रसीद मिलती है, पैसा जमा करते हैं उसकी रसीद मिलती है। जब भी हम प्रीमियम जमा करेंगे तो हमको एक कागज़ मिलेगा, वह रसीद होगी। रसीद सिर्फ इस बात का प्रमाण होता है कि आपने जो पॉलिसी जमा की है उसकी प्रीमियम जमा हो गई है। लेकिन बीमा कराते समय एक महत्वपूर्ण कागज़ मिलता है जिसको हम पॉलिसी बॉन्ड कहते हैं। इसी पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर हर तरह का भुगतान, हर तरह का पेमेंट होता है। यानी यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको सुरक्षित रखना बहुत अधिक जरूरी है। यदि आप इसके विषय में और भी जानकारी चाहते हैं लिखित रूप में, तो यह मैंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर मैंने डाला हुआ है। आइए एक बार दिखा देता हूँ। यह देखिए है ritesh.lic.wordpress.com। तो यहाँ पर क्या है, आप इंफॉर्मेशन सेक्शन में आएँ और इसका एक सब मेनू है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो यह देखिए इस तरह की कुछ जानकारियाँ जो कि ज़रूरी हैं वो मिल जाती हैं। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है पॉलिसी बॉन्ड और आवश्यक जानकारी, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। एक नई विंडो ओपन हो जाएगी नए टैब में। आप यहाँ पर ये सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, पॉलिसी बॉन्ड उसकी सुरक्षा क्या है, पॉलिसी क्रमांक क्या होता है, पॉलिसी की शर्तें क्या हैं, ये टोटल जानकारी यहाँ पर दी गई है। और यह जो वीडियो बन रही है, यह वीडियो यहाँ पर लास्ट में ये यहाँ पर आपको दिखेगी। अभी चूंकि यह वीडियो बन रही है तो यहाँ पर अभी अंकित नहीं है, जैसे ही बन जाएगा तो मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ से जानकारियाँ ले सकते हैं, और भी सारी जानकारी अगर चाहें पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित तो वो यहाँ पर दिया गया है। आइए अब बात करते हैं कि पॉलिसी बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए पॉलिसी बॉन्ड, यह एक पॉलिसी बॉन्ड है, जीवन लक्ष्य 833 नंबर टेबल है जिसका एक पॉलिसी बॉन्ड का ये आप पेज देख रहे हैं। ये पहला पेज होता है पॉलिसी बॉन्ड का, जिसके इस भाग में, इस पहले भाग में आपकी सारी की सारी डिटेल, आपकी पॉलिसी कौन सी है, अभी मैं इसको विस्तृत रूप में बता रहा हूँ, एक रूप में आप देख लीजिए कि पॉलिसी बॉन्ड क्या है। इस तरह का एक कागज़ है, यह पॉलिसी बॉन्ड इसको कहा जाता है, जिसमें ये लास्ट में जो एजेंट आपका बीमा करता है उसका कोड नंबर होता है, उस एजेंट का नाम होता है, उस एजेंट का मोबाइल और लैंडलाइन नंबर अगर है उसका कुछ तो यहाँ पर दर्ज किया जाता है। यह पहला पेज होता है। इसके बाद इसी पॉलिसी बॉन्ड के अंदर कुछ कागजात होते हैं, कुछ पन्ने होते हैं। जब अंदर आप इसको खोलेंगे तो इस तरह की जानकारी आपको मौजूद मिलेगी, यानी आपने जो पॉलिसी कराई है उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, यह जानकारी अंदर दी हुई होती है। हालांकि मैंने देखा हुआ है अपने 16 साल के सर्विस में, 16 साल के फील्ड के वर्क में, लोग पॉलिसी बॉन्ड लेते हैं, उठाकर रख देते हैं। मेरा कहना यह है कि अब आपने पॉलिसी कराई है तो एक बार ज़रूर यह जो अंदर लिखा हुआ है, यह आपके लिए ही दिया जाता है कि आपके पॉलिसी बॉन्ड में आपकी जो पॉलिसी कराए हैं उसमें क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो जब कभी भी समय आपको मिलता है आप इसको पढ़ लें। हालांकि जो वीडियो मैंने दिए हुए हैं पीछे या जो आगे वीडियो बना रहा हूँ उसमें इन चीज़ों को सम्मिलित करने का मेरा पूरा प्रयास होगा। तो यह देखिए पॉलिसी बॉन्ड है। ये पॉलिसी बॉन्ड का रंग रूप थोड़ा चेंज जरूर हो सकता है, जैसे यह जीवन लक्ष्य पॉलिसी का है, अगर दूसरी कोई पॉलिसी जीवन लाभ ले लेते हैं, मनी बैग पॉलिसी ले लेते हैं, तो ये इसका रूप अलग हो सकता है, लेकिन मूल रूप यही होता है कि इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, पॉलिसी संख्या, पॉलिसी आरंभ होने की तिथि, जोखिम आरंभ होने की तिथि, ये क्या क्या है,
चीज़ें यही रहती हैं। हाँ, जिस पॉलिसी का बॉन्ड होता है उस पॉलिसी की डिटेल के लिए ये बॉन्ड का थोड़ा सा हो सकता है कलर चेंज हो जाए, या इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा जो पॉलिसी आप करा रहे हैं उसके विषय में। जैसे देखिए, ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी है LIC की, विद प्रॉफिट प्लान है, तो ये यहाँ पर इस पॉलिसी का डिटेल दिया हुआ है। आइए अब इसको और थोड़ा सा विस्तृत से समझने का मैं प्रयास करता हूँ। यह देखिए, पॉलिसी बॉन्ड का यह जो मूल ऊपर का सेक्शन है यह है, एक बार इसको और दिखा दें। देखिए, इसको, इस सेक्शन को मैंने लिया हुआ है यहाँ। इसके बाद जो दूसरा पेज है वो यहाँ का है, अभी दिखा रहा हूँ मैं उसको। तो पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें यह जो पहला हिस्सा है, इसमें 9 डिजिट का नंबर आपका होगा, चाहे पुरानी पॉलिसियाँ हों चाहे नई पॉलिसियाँ हों, ये 9 डिजिट के नंबर होते हैं। यह जो नंबर यहाँ पर अंकित है, ये जैसे बैंक में बैंक खाता होता है, ठीक उसी तरह से LIC में ये पॉलिसी संख्या होती है। यही मूल चीज़ है, यही मूल पहचान है आपकी, जिसके ज़रिए आप अपने पॉलिसी की जानकारी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ले सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरा तो कहना यह है कि आप इस पॉलिसी नंबर को एक दो जगह और नोट करके रख लें, ताकि भविष्य में अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो इस पॉलिसी नंबर के ज़रिए टोटल जानकारी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप वहाँ पर नोट्स में जाकर या कहीं भी आप इस नंबर को सेव कर लें, या यदि आप कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर रखे हैं तो उस कॉन्टैक्ट नंबर में भी नोट्स के ऑप्शन होते हैं, उस नोट्स के ऑप्शन में इस पॉलिसी नंबर को डाल दें, जिससे कि अगर आप कभी भी इस पॉलिसी की जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप पहुंच गए अपनी ब्रांच के आसपास पहुंच गए, आपके दिमाग में था पहले से कि चलो चलते हैं, और जब भी हम चलेंगे ब्रांच में तो ब्रांच से चलकर हम जानकारी ले लेंगे पॉलिसी की, बट जब आप वहाँ पहुँचे और पॉलिसी नंबर ही नहीं है तो जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो कई वजहें हैं इसके पीछे। आप इस पॉलिसी नंबर को अगर 2-4 जगह नोट करके रखते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब दूसरा सेक्शन जो आता है वो आता है पॉलिसी आरंभ होने की तिथि, यानी आपने पॉलिसी कराई तो वो पॉलिसी किस डेट से चालू हो रही है, LIC किस डेट से आपके पॉलिसी का कैलकुलेशन कर रही है, वो डेट यहाँ पर लिखा होता है, जहाँ लिखा होता है पॉलिसी आरंभ होने की तिथि। जोखिम आरंभ होने की तिथि से क्या मतलब है? जोखिम आरंभ होने की तिथि से मतलब ये होता है कि पॉलिसी मृत्यु हित लाभ कब से देना चालू कर रही है। यानी जैसे मान लीजिए हमने पॉलिसी आज करा ली, लेकिन खास तौर से बच्चों के केस में और कुछ बड़ों के केस में, लेकिन अधिकतम बच्चों के केस में देखा जाता है कि अगर बच्चा छोटा है तो जो जोखिम आरंभ होगा यानी मृत्यु हित लाभ जो उस बच्चे के लिए दिया जाएगा वो या तो 2 साल या तो 7 साल या 2 साल। थोड़ा सा पॉलिसियों में, चूँकि पुरानी पॉलिसियों के कुछ नियम अलग हैं, नई पॉलिसियों के नियम कुछ अलग हैं, तो जब अगर आप इसके विषय में विस्तृत जानकारी चाहेंगे तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में, यूट्यूब के इस कमेंट्स बॉक्स में डाल देंगे तो मैं इस जानकारी को प्रोवाइड कर दूंगा। बट संक्षेप में आप ये समझ लीजिए, यहाँ जो डेट लिखा होता है इस डेट का मतलब यह है कि इस डेट से जोखिम शुरू होगा। यानी पॉलिसी कस्टमर ने कराया, कराने के बाद अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में यह जो डेट यहाँ पर अंकित है इसके बाद से ही रिस्क कवर शुरू माना जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है योजना एवं पॉलिसी अवधि। योजना का क्या मतलब है? देखिए, जब अगर आप रसीद खोलकर देखेंगे तो उसमें कहीं भी आपके पॉलिसी का नाम नहीं लिखा होता है। तो यह जो 833 नंबर टेबल है, यह 833 नंबर का मतलब यह है कि ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी का, यूं कह लीजिए एक तरह से, यह कोड है। यानी 833 नंबर टेबल जीवन लक्ष्य पॉलिसी को अंकित करता है। तो पॉलिसी बॉन्ड में जब आप ऊपर देखेंगे, देखिए मैंने अभी पिछले एक बार और ले चलता हूँ, यह जो है यहाँ पर लिखा है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। अब यहाँ पर योजना और पॉलिसी अवधि, ये दो चीज़ दिया है, तो 833 नंबर जो टेबल है यह जीवन लक्ष्य पॉलिसी का टेबल नंबर है, या कह सकते हैं अगर साधारण भाषा में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि यह कोड नंबर है जीवन लक्ष्य का। अच्छा, अब होता है पॉलिसी अवधि। अवधि का मतलब यह है कि पॉलिसी किस डेट में पूरा होगी।
मतलब पॉलिसी अवधि का मतलब है, डेट तो लिखा नहीं है, अवधि का मतलब है कितने समय में पॉलिसी पूरी होगी। तो पॉलिसी 20 साल, यहाँ जैसे 20 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यह पॉलिसी 20 साल तक चलेगी, 20वें साल यह पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसके बाद यह अगला ऑप्शन है प्रीमियम भुगतान की अवधि। देखिए पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान की अवधि, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म। संक्षेप में कुछ पॉलिसी बॉन्ड में इसको PPT भी लिख दिया जाता है, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी में है क्या कि अगर कस्टमर पॉलिसी 20 साल की लेता है तो LIC 3 साल की रिलीफ दे देती है, प्रीमियम जो है 17 साल ही जमा करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए 833-20 था, यानी 833 नंबर टेबल, यानी जीवन लक्ष्य पॉलिसी 20 साल के लिए की गई थी, लेकिन इसकी जो प्रीमियम है पूरा 20 साल जमा नहीं करना है, वो जमा करना है 17 साल। ठीक इसी तरह से अगर पॉलिसी आपने कराई है, मान लीजिए मनी बैक पॉलिसी कराई है 820 नंबर टेबल, तो यहाँ पर क्या होगा, 820 होगा, 20 होगा, और जो प्रीमियम भुगतान की अवधि या प्रीमियम पेइंग टर्म जो यहाँ पर शो कर रहा है वो शो करेगा 15 साल, क्योंकि मनी बैक पॉलिसी जो 20 साल की है उसमें 15 साल ही प्रीमियम जमा करना होता है। ठीक इसी तरह से जो इंडोमेंट प्लान है, कई तरह के इंडोमेंट प्लान ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने 20 साल का किया हुआ है तो उसमें टोटल 20 साल जमा करना है, तो वहाँ प्लान जो लिखा है प्लान की जगह उस प्लान का कोड रहेगा, पॉलिसी टर्म की जगह से प्लान हो गया, यहाँ क्रॉस करके टर्म कर देते हैं, फिर प्लान होगा, प्लान के बगल में टर्म होगा और टर्म के बगल में होगा PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म। तो प्लान में हो गया जैसे मान लीजिए 814 नंबर है, प्लान टर्म में हो गया मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी है और प्रीमियम पेइंग टर्म यानी PPT जो लिखा हुआ है उसमें 20 साल ही होगा, यानी पूरा 20 साल की पॉलिसी में टोटल 20 साल कस्टमर को पैसे जमा करने होंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है ये आता है डेट ऑफ मैच्योरिटी का, यानी पॉलिसी की मैच्योरिटी की डेट को यहाँ पर शो किया जाता है। अब चूंकि पॉलिसी देखिए 28/9/2016 को ली गई है, तो अब इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होगी वो 28/9/2036 को होगी, यानी 28/9/2036 को LIC इस पॉलिसी की मैच्योरिटी का भुगतान कस्टमर के अकाउंट में कर देगी। अब इसके बाद देखिए क्या ऑप्शन है, यहाँ है मूल बीमित राशि। यह जो पॉलिसियों की मैंने वीडियोस बनाई है उसमें मूल बीमित राशि के विषय में, बेसिक सम एश्योर्ड के विषय में मैंने बताया हुआ है, तो अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर बेसिक सम एश्योर्ड के विषय में जो मेरी पोस्टेस हैं, या किसी पॉलिसी की अगर पोस्ट को आप देखेंगे तो वहाँ मूल बीमित राशि के विषय में मैंने विस्तृत जानकारी दी है, क्योंकि इन चीज़ों की अगर जानकारी देने के लिए शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जो है मूल बीमित राशि का मतलब ये है कि आपका बीमा कितने का चल रहा है, संक्षेप में मैं इतना ही बता रहा हूँ, यानी कुल मिला के इस मूल बीमित राशि के आधार पर ही अगर कस्टमर की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में इस जो बीमित राशि है इसी के हिसाब से पेमेंट कस्टमर के नामनी को होता है, या जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको होगा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है कि मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम क्या है। यहाँ पर किस्त प्रीमियम से मतलब है कि बेसिक प्रीमियम कस्टमर की क्या आ रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है कुल प्रीमियम क्या है। तो देखिए दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, जब आप पॉलिसी कराते हैं तो पॉलिसी कराने के बाद आप हो सकता है दुर्घटना हित लाभ ले रहे हों, टर्म राइडर बेनिफिट ले रहे हों, अब इन चीज़ों के विषय में आगे की वीडियो में मैं अगर आप कहेंगे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा, इन विषयों के विषय में मैं जानकारी आपको आगे की वीडियो में दे दूँगा। तो संक्षेप में इतना जान लीजिए कि अगर आप कोई राइडर ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देनी होगी, तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम थोड़ी सी एडिशनल प्रीमियम देकर आप रिस्कवर का कुछ एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपने थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ा दी और आपने 10 लाख का बीमा किया है, प्रीमियम आपने बढ़ा ली कि नहीं भाई हम थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा देंगे लेकिन हमको दुर्घटना हित लाभ भी चाहिए, तो अब 10 लाख के बीमे में अगर आपने दुर्घटना हित लाभ लिया हुआ है तो 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल बेनिफिट और मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात कर रहा हूँ।
इसी के बाद और भी राइडर है, तो अगर और राइडर अगर आप चूज करते हैं तो उस राइडर के हिसाब से आपको एडिशनल प्रीमियम देनी होगी। तो अब यहाँ अंतर क्या आ रहा है, इन चीज़ों के विषय में बताने से जो मकसद है वो मेन यह है कि यह जो प्रीमियम होगी वो बेसिक प्रीमियम होगी, और यहाँ जो होगी वो टोटल जो आपने जितने भी राइडर लिए होंगे उस राइडर के साथ जोड़कर यहाँ पर प्रीमियम दिया जाएगा। टोटल प्रीमियम क्या होगा? अच्छा, 2013 दिसंबर 2013 के बाद जो भी पॉलिसी की गई है उसमें सर्विस टैक्स लग रहा है, तो प्रीमियम तो चेंज नहीं होगा, बट क्या है, सर्विस टैक्स, क्योंकि सर्विस टैक्स गवर्नमेंट का होता है, वो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो सर्विस टैक्स कैन बी पॉसिबल चेंज हो सकता है। तो प्रीमियम के आधार पर जो आपकी कुल प्रीमियम हो रही है उसी आधार पर आपको सर्विस टैक्स भी पे करना पड़ेगा, करेक्ट। इसके बाद क्या है, प्रीमियम देय तिथि। देखिए, अगर आपने पॉलिसी 2013 से पहले ली हुई है या आपकी पॉलिसी में यह ऑप्शन शो नहीं कर रहा है प्रीमियम देय तिथि का, तो आप इतना सा अनुमान लगा लीजिए, ऐसे जैसे मान लीजिए पॉलिसी आरंभ होने की तिथि था 28/9/2016 मैंने लिखा था, तो देय तिथि 28 हो गई, यानी जिस डेट को शुरुआत हो रही है उसका जो दिनांक है, डेट है, वही देय तिथि माना जाएगा। जैसे मान लीजिए 28/9/2016 को किसी कस्टमर ने पॉलिसी कराया, तो उसकी जो अगली लास्ट डेट होगी प्रीमियम जमा करने की, वो लास्ट डेट होगी 28/9/2017, यानी 9वें महीने की 28 तारीख से पहले कस्टमर को प्रीमियम जमा कर देना होगा। देय तिथि से मकसद सिर्फ इतना है कि यह जो डेट है जिस महीने में प्रीमियम आ रही है उस महीने की लास्ट डेट है, इस डेट तक प्रीमियम कस्टमर को जमा कर देना होता है। इसके बाद आता है प्रीमियम भुगतान की विधि। तो यहाँ पर शॉर्ट में या तो पूरा ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ऐसा LIC लिख देती है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट में भी लिख देती है, QLY लिख दिया तो उसको आप समझ जाइए वो क्वार्टरली लिखा है, HLY लिखा है यानी वो हाफ ईयरली लिखा है, YLY लिखा है यानी वो सालाना प्रीमियम को बोल रहा है। तो जिस विधि से आप पॉलिसी करा रहे हैं, तिमाही, छमाही या सालाना, उस विधि से आपको अगली प्रीमियम जमा करनी होगी। अब मूल योजना की अंतिम भुगतान की देय तिथि क्या है वो यहाँ पर दिया जाता है, यानी 28/9/2032 को अगर यह पॉलिसी कस्टमर कराया हुआ है तो 28/9/2032 को कस्टमर को इसकी जो है लास्ट प्रीमियम जमा करनी होगी, ये दिया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन है जन्म तिथि का, या देखिए बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि, तो आपके सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि लिखी हुई है, देखिए जन्म तिथि क्या है, बेस है LIC का, जो LIC की प्रीमियम डिसाइड होती है ना वो आपके जन्म तिथि के आधार पर होती है, तो यह करेक्ट होना चाहिए। आप इसको अपने दस्तावेज से मिला लीजिए, ये सही अगर है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो इसको सुधार करा लें। यहाँ बीमित व्यक्ति की आयु दी जाती है, यानी जिस डेट को आपने पॉलिसी शुरू किया उस डेट को आपकी एज क्या थी वो यहाँ पर लिखा जाता है, बट अब पॉलिसी के हिसाब से होता है दो चीज़ें, एक दिखा जाता है नियर बर्थ डेट और दूसरा दिखा जाता है लास्ट बर्थ डे। तो जिन पॉलिसियों में नियर बर्थ डेट है उसमें क्या है, नियर बर्थ डेट के आधार पर यहाँ पर आयु होगी, और जिस पॉलिसी में लास्ट बर्थडे है उस पॉलिसी में लास्ट बर्थडे के हिसाब से आयु जो है यहाँ पर अंकित होगी, करेक्ट। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। यह देखिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या है, अमूमन लोग जब आते हैं ना हमसे, जब मुलाकात होती है कुछ कस्टमर्स, तो उनका कहना क्या होता है कि अब उन्होंने पॉलिसी ली और चूंकि नाम नामनी का यहाँ ऊपर होता है तो उनको ऐसा भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर जो नाम लिखा है पॉलिसी इसी की है। ख़ास तौर से कुछ पॉलिसियाँ जैसे बच्चे के लिए अगर कराए हुए हैं 90 नंबर टेबल है, तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, अब इस विषय में जाऊँगा तो लंबी बात हो जाएगी, फिलहाल मैं इसको संक्षेप में ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर जो नाम होते हैं वो आपकी पॉलिसी में जो नामनी है उसका नाम होता है, यानी अगर जिसका बीमा हुआ है उसकी डेथ होने के बाद जो बीमा धारक है वो चाहता है
कि पैसा किसे मिले उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। दिया भी हुआ है यहाँ पर बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम। तो यहाँ जो नाम लिखा है ऊपर में, यह नाम नामनी का होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, प्रस्तावक का नाम और पता। तो देखिए, जिसकी पॉलिसी चलती है यानी जिसका बीमा चल रहा है उसका नाम यहाँ पर होगा, उसके पिता और उसका पता जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर अंकित होगा। देखिए यह पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपका पता चेंज हो जाता है, पहला तो चीज़ जैसे ही बॉन्ड आपको मिलता है आप अपना नाम को देख लीजिए, नाम के जो फॉर्मेट है वो सही हैं, अगर वो सही नहीं है तो उसको सुधार करा लीजिए। और यहाँ पर आप अपने पते को चेक कर लीजिए कि आपका पता क्या अंकित कर रहा है, यहाँ आपका पता क्या लिखा हुआ है। तो यदि पते में भी परिवर्तन है, पता भी सुधार कराना है, तो आप सुधार करा लीजिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए अगर LIC को संपर्क करना है, आपकी ब्रांच आपकी शाखा अगर आपसे संपर्क करना चाहे, तो उसके पास जो साधन होते हैं वो साधन होते हैं आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। तो क्या है कि यदि मान लीजिए आपका पता चेंज हो जाता है, क्योंकि पॉलिसियाँ तो लंबी होती हैं, पॉलिसी आज करा रहे हैं तो आज आप उसी जगह हैं जहाँ पर आपने जो है बीमा कराया है और पता है आपने वहाँ डाल दिया। सपोज दैट हो सकता है 2-4 साल के बाद आपने फैसला किया कि भाई यहाँ पर हमको नहीं रहना है, हम दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं, तो जो नई जगह जाते हैं आप उसका पॉलिसी नंबर यहाँ पर अंकित करा दीजिए, दर्ज करवा दीजिए। वो कैसे होता है वो आगे की वीडियो में मैं दे दूँगा, उसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। एक एप्लीकेशन आपको लगाना होता है, एक आईडी प्रूफ लगाइए और उसको लगाकर आप दे दीजिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और है, आपकी जो एड्रेस प्रूफ जो भी आप दे रहे हैं, एड्रेस प्रूफ के हिसाब से अगर यहाँ पर आप अपना पता अंकित कराते हैं, वो कराना भी चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अपने एड्रेस प्रूफ के हिसाब से यहाँ पर पता अंकित कराएं, मेरी राय तो यही है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन दोस्तों, हमारी यह मेहनत अगर आपको लगता है कि यह मेहनत अच्छी है, यह जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं, तो सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस जो वीडियो है इसके नीचे आप जो है एक लाइक की बटन होती है, उस लाइक की बटन को क्लिक करके लाइक ज़रूर कर लें। तो उससे होगा क्या, लाइक करने से यह थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर होता है, क्योंकि अपना जो धंधा है वो मोटिवेशन का ही धंधा है। यदि आपको वीडियो में कुछ ऐसा लगा जो आपके जो भी आपको अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में डालें। यदि आपको लगता है कि यह जो जानकारियां हैं, यह जानकारियां उपयोगी हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यह देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप का नंबर है 9415848410। यह देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आके आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो को आपने ओपन कर दिया, आप यहाँ से भी ये वीडियो मैनेजर ओपन कर दिया है, इसको पूछता हूँ, यहाँ पर देखिए लाइक की बटन होती है, इस लाइक की बटन को क्लिक करके लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है यह वीडियो आपके लिए अच्छी है, तो कैन बी पॉसिबल ये आपके दोस्तों के लिए भी अच्छी हो, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। और आपका जो भी अनुभव हो, अच्छा बुरा जो भी अनुभव करते हैं, आप उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हमें जानकारी हो कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है और किस तरह की जानकारियाँ आप और आगे चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत अच्छी ज़रूर लगेगी। तो यह हमारा मेल आईडी है LIC@gmail.com, यह हमारी वेबसाइट है, अभी मैंने आपको वेबसाइट भी दिखाई थी, तो वहाँ पर भी तमाम जानकारियाँ आपको अवेलेबल मिलेंगी। यदि आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट से जोड़ना चाहते हैं, तो गूगल सर्च इंजन में जाकर LIC Advisor टाइप करें, सर्च करें, आपको
मेरी तमाम सोशल साइटें आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे जुड़ सकते हैं। वंस अगेन दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।